इंसानियत की साख पर बट्टा लगातार लगाया जा रहा है। यूपी में हैवानियत का खेल जारी है। इस बार शहर रामपुर एक मजलूम की लूटी इज्जत का गवाह बना है। 5 हैवान एक लड़की को उसके घर से अगवा कर ले गए और फिर एक के बाद एक उन भेड़ियों ने कर दी उसकी आबरू नीलाम। एक और गैंगरेप, मानवीय संवेदनाएं खत्म। रामपुर शहर के 5 दरिंदे एक लड़की पर वहशी बनकर टूटे। मजलूम को अगवा कर दी नीलाम, आबरू। रामपुर के जिला अस्पताल के अंदर अपनी मां का हाथ पकड़कर चल रही इस लड़की की दास्तान खौफनाक है, जिसका तसव्वुर भर किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी है। लड़की बेहद डरी है, घबराई है, खौफजदा है, सहमी है, क्योंकि जिस हैवानियत का शिकार ये बनी है वो वाकई खिनौनी है, गैंगरेप। पहचान छिपाने के लिए लड़की को एक काल्पनिक नाम दिया जा रहा है। सवाल इसके भविष्य से जुड़ा है। पीड़ित रानी के परिवार का इल्जाम है कि उनकी लड़की रात के वक्त अगवा कर ली गई और फिर बदहवास हालत में एक खेत से बरामद हुई, लेकिन तब तक लड़की की इज्जत से 5 दरिंदे अपनी हवस मिटा चुके थे। लड़के ने उठाया तो बंद करके, उसके बाद देखा तो क्या बोले, 4 और थे, 5 लड़के हो गए सारे। ये फिर लड़की ने नशा सुना, जिनके बेहोश हो गई थी लड़की, बेहोश हो गई थी लड़की। क्या आपने किसी को पहचाना है इसमें? नहीं, एक लड़के को पहचाना है, किसी का टाइम नहीं। कितनी दूर है गांव से वो जगह जहाँ पे मिली? 1 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर? 1 किलोमीटर। 1 किलो किसका खेत है? वो उनका विजय पार्क का खेत। उस लड़के ने बताया, हमने फिर फोन कर जिनने इसे उठाया था। ये लड़के सब गांव के ही हैं? ना, इसने एक लड़के को पहचाना है। लड़के थे, वो गांव का ही है जो लड़का है? हाँ, और का ढाटे लगे हुए, इसने उन्हें नहीं पहचाना। हमने तो बेहोश पड़ी हुई पकड़ी है लड़की। इंसानियत की साख पर बट्टा लगाती ये वारदात रामपुर के थाना टांडा इलाके की है। नींद की आगोश में परिवार का हर एक सदस्य समाया था। कोई नहीं जानता था कि जल्द ही एक अनहोनी परिवार की खुशियां खत्म कर देगी। रानी को रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अगवा कर लिया गया। रानी को दरिंदे उठाकर एक खेत में ले गए, बारी बारी से हवस की भूख मिटाई और फिर फरार हो गए। रानी की मां की आंख खुली तो बेटी को नजदीक नहीं पाने पर हड़कंप मच गया। इसी बीच एक फोन आया और रानी के खेत में होने की बात कहकर कॉल काट दी गई। फिलहाल पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर दी है, साथ ही रानी का मेडिकल करवाने की जद्दोजहद जारी है। देखिए, अभी हम इसमें कुछ नहीं बोल पाए, लड़की आई है, उसका मेडिकल हुआ है और कुंडेसरा की लड़की है। इसने अभी तक हम लोगों को कुछ बताया नहीं है, बोली नहीं रही है, वो उसकी डॉक्टरी हो चल रही है अभी तक। इसकी माँ ने इतना बताया कि रात में 1:30-2 बजे के करीब ये लोग उठे थे बाथरूम जाने के लिए, तो माँ तो वापस आ गई और लड़की रह गई। उसके बाद इनका कहना ये है कि हमारी लड़की के साथ कुछ लोगों ने रेप किया है, तो अब डॉक्टरी चल रही है, जो भी जैसा भी होगा, जो भी विधि प्रक्रिया होगी वो अपनाई जाएगी। पुलिस तफ्तीश की बात बोल रही है, मामले की तह तक जाने की तैयारियां की जा रही हैं। पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा लिखा जा चुका है। एक आरोपी को पीड़ित लड़की पहचानती भी है, लेकिन फिर भी देरी क्यों? पुलिस और हमारी कानून व्यवस्था पर सवाल उठना तो लाजमी है ही। अगर पुलिस मुस्तैद रहकर कार्रवाई करे तो फिर अपराधी और अपराध दोनों पर नकेल कसी जा सकती है। मोबीन अली, रामपुर, समाचार प्लस। पति पत्नी एक ऐसा रिश्ता जो विश्वास की डोर से बंधा होता है। भरोसा बेहद ही अहम कड़ी है इस रिश्ते की, लेकिन पति पत्नी के इस पवित्र रिश्ते के बीच जब वो आ जाए तो फिर जुर्म दस्तक देता है, जिसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता।
मेरठ की ये वारदात कुछ यही कहानी बयां कर रही है। देखिए रिपोर्ट। जब संबंधों में कड़वाहट आ जाए, दूरियां बढ़ने लगे, तो फिर पति पत्नी के रिश्तों की बुनियाद हिलने लगती है, कड़वाहट उफान मारने लगती है, दूरियां मतभेद में तब्दील हो जाती है, और इन सब की गवाह बनती है ये भीड़ जो मेरठ के अस्पताल के बाहर लगी है, जहां एक शख्स की सांसें अटकी हुई हैं, कभी भी निकल सकती हैं। मौत से संघर्ष कर रहा है ये शख्स। देखिए, सलीम ये रेफरों का आया था पीएल शर्मा से, जो उनके साथ उन्हें लेके आए थे। उन्होंने बताया कि इसके सिर में ईंट मारी गई है, तो हमने जब देखा उसको तो बेहोश था। फिर जांच की गई, उसकी कंडीशन उसकी अभी इस टाइम जो है सीरियस बनी हुई है। अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी के लिए मौत से दो चार होते इस शख्स का नाम सलीम है। सलीम मेरठ के लाल कुर्ती थाना इलाके के जामुन मोहल्ले का रहने वाला है। कल तक मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन आज पुलिस के एक जवान की दबंगई का शिकार बन बैठा है। होमगार्ड अशोक ने अपने उस नाजायज संबंध के लिए ईंट से कुचलकर इसकी जान लेने की भरपूर कोशिश की, जिसकी वजह बनी सलीम की पत्नी। सलीम की बीवी का अशोक से अवैध रिश्ता था, जिसका इसने विरोध किया तो जान पर बनाई। पापा के साथ अशोक ने, पुलिस वाला, इनके साथ अफेयर चल रहा था इनका। अच्छा, पापा आता जाता था। तुमने इस बात पे विरोध किया कभी? नहीं। पापा ने किया। इस बार में मार के गया। लोगों में भी गुस्सा है, गुस्सा निकम्मी पुलिस से है। यहाँ मौजूद हर शख्स की जुबां पर भी पुलिस की लापरवाही की चर्चा है, जिन्होंने सलीम की शिकायतों के बावजूद भी अशोक के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, कार्रवाई नहीं की, और इसी लापरवाही का अशोक ने फायदा भी उठाया। घर में बिस्तर पर नींद में सोए अशोक को ईंट से कुचलकर अस्पताल की दहलीज तक पहुंचा दिया। ऐसा था, मेरा बेटा बिस्कुट लेके आया, कह रहा सलीम चाचा को किसी ने मारा है। एक मिनट, तुरंत मैं 6:35 पे आया हूँ। हमने रिंग करी थाने में, कोई सुनवाई नहीं हुई। 8 बजे करीब 108 नंबर की गाड़ी भेजी, ना कोई फैंटम वाला पहुंचा बेहलाल, ना मेडिकल पहुंचा है। पूरी साजिश है इन सालों की, थाने वालों की, और एसएसपी ऑफिस में भी कई बार कंप्लेंट करके आया बंदा ये कि मेरी जान को खतरा है, कोई सुनवाई नहीं। जब सिस्टम में दोष हो तो आखिरकार खामियाजा निर्दोष जनता को ही उठाना पड़ता है। सलीम के साथ भी यही हुआ। पत्नी ने अपने रिश्तों की कदर नहीं जानी, पुलिस ने अपना फर्ज नहीं निभाया, अस्पताल ने लापरवाही बरती, और इन सब गलतियों का अंजाम निकला बेहद खौफनाक। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए, जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों, किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए भी। अरे, दिन भर पसीना बहाते हैं पर रात को सोचते हैं दो रोटी कम खा लें ताकि इनको ज्यादा मिल सके। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं,
बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का राज है 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। हमने इस्तेमाल किया कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां, IUCD। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। बहन जी के इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सारे कार्यकर्ता उनको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारा जो उम्र है वो भी बहन जी को लग जाए। और मैं कहना चाहता हूँ कि बहन जी तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। दलितों की मसीहा जिसने मिटा दिया ऊंच नीच का फर्क, कढ़े विकास के नए कीर्तिमान, जनता ने जिसे दिया बहन का स्थान। देखिए महामाया रात 10:30 सिर्फ समाचार प्लस पर। दिल्ली गैंगरेप की तर्ज पर यूपी में दरिंदगी, हाथरस में गैंगरेप के बाद महिला के निजी अंगों पर चाकू से हमला, कानपुर में छेड़छाड़ के विरोध पर साइकिल के हैंडल से किया वार, गोरखपुर में शौदे ने लड़की की काटी नाक। कानपुर में दर्जा प्राप्त मंत्री सुरेंद्र मोहन अग्रवाल के काफिले ने मारी बुजुर्ग को टक्कर, बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाने की बजाय निकल लिए मंत्री जी, मंत्री के बर्ताव से लोगों में नाराजगी। पाकिस्तान की बर्बरता पर 10 दिन बाद पीएम मनमोहन ने तोड़ी चुप्पी, कहा हालात को समझे पाकिस्तान, भारतीय सैनिकों के हत्यारों को दी जाए सख्त सजा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ की गिरफ्तारी के आदेश, रेंटल पावर भ्रष्टाचार केस में पाक सुप्रीम कोर्ट ने दिए 24 घंटे में गिरफ्तार करने के आदेश। मुलायम की नाराजगी को सीएम अखिलेश ने बताया जायज, मुख्यमंत्री ने कहा गलती सुधारेंगे, शिवपाल ने नौकरशाही के सिर पर फोड़ा नाकामियों का ठीकरा। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए 18 जनवरी को होगा नामांकन, 19 जनवरी को होगी नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा। देहरादून के पटेल नगर में सेक्स रैकेट का खुलासा, 6 महिलाओं समेत 12 लोग गिरफ्तार, मुंबई से लाई जा रही थी लड़कियां। मथुरा जंक्शन के यार्ड में खड़ी कुंभ स्पेशल ट्रेन में लगी आग, 2 बोगियां आई आग की चपेट में, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कोची उड़ने में टीम इंडिया ने किया कमाल, इंग्लैंड को दी 127 रनों से मात, भारतीय गेंदबाजों ने किया शानदार प्रदर्शन। और पाकिस्तान के विरोध का दिखा असर, हॉकी इंडिया लीग में नहीं खेलेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी, 9 पाक खिलाड़ी वापस जाएंगे पाकिस्तान। और इस वक्त बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां पुलिस ने दरिंदगी के आरोपी शख्स को कर लिया है गिरफ्तार। आपको बता दें आरोपी शख्स ने बलात्कार में नाकाम रहने पर किया था युवती पर हमला और लड़की के निजी अंगों पर किया था हमला, साइकिल के हैंडल से किया था हमला। चौबेपुर थाना क्षेत्र के जोरावरपुर की है ये दरिंदगी और हैवानियत वाली वारदात, और दरिंदगी के आरोपी युवक का नाम शंकर बताया जा रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं फोन लाइन पर समाचार प्लस संवाददाता अश्विनी निगम कानपुर से। अश्विनी, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? देखिए दिव्यांग, सबसे बड़ी पहली बात जो आपको मैं बताता हूँ कि ये बलात्कार का मामला नहीं था, छेड़खानी का मामला था।
ये लड़की जब स्कूल से जब जा रही थी अपने घर को, ये लड़का साइकिल से था और इसने छेड़खानी करने की कोशिश करी, जब इसका विरोध किया तो इस लड़के ने साइकिल से उसमें हमला किया, जिससे उसकी साइकिल की हैंडल उसके जाकर के अंदरूनी भाग में लगी, जहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। सबसे बड़ी बात बलात्कार की बात इसमें नहीं है, बलात्कार करने वाला मामला है, लेकिन अपने चैनल पर जैसे ही इस खबर को चला